गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं हमारा सातवां पाठ अब्दुल कलाम के संदेश। इस पाठ के जो लेखिका है वो डॉक्टर मधुबंध है। तो देखिए, इस पाठ का अभ्यास कार्य हमने शुरू किया था और इसमें जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वहां तक हमने देखा था, और दीर्घोत्तरीय प्रश्न में जो चौथा प्रश्न है वो आज देखने वाले। तो देखिए, डॉक्टर कलाम ने ज्ञान के चार अंग किन्हें कहा है? डॉक्टर कलाम ने ज्ञान के चार अंग किन्हें कहा है, बताइए। तो देखिए, डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार ज्ञान के चार अंग है सृजनशीलता। पहला कौन सा है? सृजनशीलता। इससे गहन शोध तथा नई शक्ति तथा ज्ञान प्राप्त होता है। सृजनशीलता इससे गहन शोध तथा नई शक्ति तथा ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है नीति परायणता। नीति परायणता इससे क्या होता है? इससे सुंदर चरित्र बनता है, जिससे घर देश तथा विश्व में शांति होती है। नीति परायणता से क्या होता है? नीति परायणता से जो है चरित्र कैसा बनता है? सुंदर बनता है, और इससे जो है घर देश और विश्व में शांति होती है। आगे देखिए, अगला है साहस। क्या है? साहस। साहस इससे क्या होता है? इससे अंजान असंभव राह पर चलने, समस्याओं का हल करने तथा चुनौतियां स्वीकार करने की हिम्मत आती है। साहस इससे क्या होता है? इससे अंजान असंभव राह पर चलने, समस्याओं का हल करने तथा चुनौतियां स्वीकार करने की हिम्मत आती है। और चौथा कौन सा अंग है? अंतहीन जोश व लगन। इस प्रकार से जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने ज्ञान के चार अंग हमें बताए। तो आगे का प्रश्न देखिए, डॉक्टर कलाम ने सीवी रमन के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए क्या कहा है? डॉक्टर कलाम ने सीवी रमन के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए क्या कहा है, बताइए। तो देखिए, सीवी रमन के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि युवाओं को निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। सीवी रमन के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि युवाओं को निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उन्हें स्वयं में जोश तथा लगन पैदा करनी चाहिए, ताकि हम गौरवपूर्ण सभ्यता के वारिस सिद्ध हो सके। देखिए, सीवी रमन के शब्दों को प्रतिध्वनित करते हुए डॉक्टर कलाम ने कहा कि युवाओं को निराश होकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उन्हें स्वयं में जोश तथा लगन पैदा करनी चाहिए, ताकि हम गौरवपूर्ण सभ्यता के वारिस सिद्ध हो सके। अब आगे देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न इसमें, डॉक्टर कलाम सन 2020 तक भारत को कैसा बनाने का विश्वास रखते थे? समृद्ध देश, विकसित देश, विचारशील देश, कैसा बनाना चाहते थे? जी, विकसित देश। डॉक्टर कलाम सन 2020 तक भारत को विकसित देश बनाने का विश्वास रखते थे। अगला प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संसाधन क्या है? जंगल, खनिज पदार्थ या युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क, क्या है बताइए? जी, युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क। डॉक्टर कलाम के अनुसार पृथ्वी का सबसे शक्तिशाली संसाधन है युवाओं का तेजस्वी मस्तिष्क। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर कलाम के अनुसार ज्ञान कब तक पाया जा सकता है? जीवन पर्यंत,
छात्र जीवन में या बचपन में, बताइए डॉक्टर कलाम के अनुसार ज्ञान कब तक पाया जा सकता है? जी जीवन पर्यंत, यानी क्या, जब तक जीवन है तब तक हम क्या है ज्ञान पा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नीति परायणता से क्या होता है? नीति परायणता से क्या होता है, ईमानदारी का भाव होता है या सुंदर चरित्र का निर्माण होता है या सफल राष्ट्र का निर्माण होता है, बताइए। जी सुंदर चरित्र का निर्माण, नीति परायणता से सुंदर चरित्र का निर्माण होता है। आगे देखिए, भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों के गलत पर्याय पर गलत का निशान लगाइए। मस्तिष्क, मस्तिष्क यानी क्या बताइए, इसमें से जो मस्तिष्क इस शब्द का गलत पर्याय है उस पर हमें गलत का निशान लगाना है। मस्तिष्क, दिमाग, बुद्धिमान या बुद्धि, मस्तिष्क यानी क्या, दिमाग और बुद्धि, बुद्धिमान नहीं है, ये गलत है, इस पर जो है गलत का निशान लगाना है। अगला शब्द है भरोसा, भरोसा यानी क्या, यकीन, विश्वास या आशा, बताइए क्या है। तो देखिए भरोसा यानी क्या, यकीन और विश्वास, आशा क्या है, ये गलत है। राष्ट्र, राष्ट्र इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है, राज्य, वतन, देश, कौन सा है बताइए। राज्य इस शब्द का जो है, राष्ट्र इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है, राज्य, वतन या देश, कौन सा है, जी राज्य, क्या है, राज्य, ये जो है गलत पर्याय है, राष्ट्र यानी क्या, वतन या देश। विश्व, विश्व इस शब्द का गलत पर्याय बताना है हमें, जगत, संसार, समुदाय, कौन सा है फिर, विश्व इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है फिर, समुदाय, ये गलत पर्याय। स्नेह, स्नेह इस शब्द का गलत पर्याय कौन सा है, प्यार, भाव, प्रेम, कौन सा है फिर, स्नेह इस शब्द का गलत पर्याय है भाव। इस प्रकार से ये सभी प्रश्न हमने देखे, इसका जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।